हेलो एवरीवन वेलकम आज के क्लास में हम लोग कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड डिमांड चैप्टर में यूनिट में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के टॉपिक को शुरू करेंगे हम लोग कंज्यूमर्स बिहेवियर डिस्कस कर रहे हैं और मैंने आपको बताया है कि कंज्यूमर्स बिहेवियर को समझते हुए हमें सबसे पहले यूटिलिटी को समझना था जो कि हम समझ चुके हैं उसके अलावा यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करते हुए हम लोगों ने यूटिलिटी के दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जिनमें टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी को हमने डिस्कस किया और फिर हम लोगों ने एक लॉ डिस्कस किया जिसका नाम था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जिसमें हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे एज अ कंज्यूमर हम किसी भी कमोडिटी के अडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते जाते हैं उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन हमारा डिक्रीज़ करता चला जाता है आज हम लोग उन्हीं सारे यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ डीएमयू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या है और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को निकालने के कितने तरीके हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के क्लास को जहाँ पे हमारा आज का टॉपिक होने वाला है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम सबसे पहले जान लेते हैं बात कर लेते हैं कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं या ये लेवल क्या है तो देखें कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब सिंपल से सेंस में ये निकलता है कि कोई भी कंज्यूमर अपने संतुलन पर कब पहुंचता है ठीक है कोई भी कंज्यूमर है जिसका काम क्या है कंजम्पशन करना जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं अपने यूटिलिटी को अपने सेटिस्फैक्शन को अचीव करने के लिए उसे हम कंज्यूमर कहते हैं नाउ द क्वेश्चन इज कि कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर कब होगा संतुलन पर कब पहुँचेगा तो कोई भी कंज्यूमर uh, जो है वो इक्विलिब्रियम का मतलब हम लोग यहां पे पहले देखें कि इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया एक ऐसा पोजीशन जहां पे कंज्यूमर जो है वो रुक जाना चाहता है जिसको आप कह सकते हो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज सिचुएशन विच इज टर्म्ड एज स्टेट ऑफ रेस्ट जहां पे कंज्यूमर रुकना चाहेंगे अब रुकना चाहेंगे इसे क्या मतलब है तो आप इसको कह सकते हो स्टेट ऑफ रेस्ट और पोजीशन ऑफ नो चेंज एक ऐसा पोजीशन एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है कंज्यूमर वहाँ पर रुकना चाहेंगे अब कंज्यूमर कहाँ पे रुकना चाहेंगे क्योंकि कंज्यूमर का काम है कंजम्पशन करना तो कंजम्पशन करने के प्रोसेस में कोई भी कंज्यूमर जिस पोजीशन पर रुक जाना चाहेंगे अपने जिस पोजीशन को नहीं बदलना चाहेंगे वो उनका इक्विलिब्रियम कहलाएगा सबसे पहली बात इक्विलिब्रियम को अच्छे तरीके से समझने के लिए यहां पे आप इसको सिंपल समझ सकते हो कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज स्टेट ऑफ रेस्ट और अ पोजीशन ऑफ नो चेंज अब यहां पे नो no चेंज का क्या मतलब है या कंज्यूमर यहां पे क्यों रुक रहे हैं इसकी बात करें तो कंज्यूमर uh, का काम क्या है कंज़म्पशन करना ठीक है तो व्हेन अ कंज्यूमर डिराइव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तो उस प्लेस पे कोई भी कंज्यूमर जो हैं वो रुक जाना चाहेंगे रुक जाना चाहेंगे से मेरा मतलब है कि उस पोजीशन से कंज्यूमर आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे और ना ही उस पोजीशन से पीछे आना चाहेंगे मतलब एक कंज्यूमर जो है अगर इस उस लेवल ऑफ़ आउटपुट को कंज्यूम कर लेता है जिसको कंज्यूम करने पर उनका जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमम हो जाए तो इस लेवल को हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कंसीडर कर सकते हैं ये तो कुछ बातें हो गई भाई अबाउट द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। नाउ हाउ वी कैन डिफाइन अ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम? तो इसको डिफाइन कर सकते हैं हम कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन consumer's equilibrium refers to a situation when a consumer when a consumer is having is having maximum satisfaction from the Consumption with limited income, and he has no tendency of change. The way of existing expenditure. ओके okay. अब ध्यान देंगे कंज्यूमर्स इक्लिब्रियम का मीनिंग जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे फुल एंड फाइनल लिख लिया है ना व्हाट इज कंज्यूमर्स इक्विब्रियम तो हम लोग देख ही रहे हैं कि ये एक पोजीशन है रेस्ट की जहां पे कोई भी कंज्यूमर रुक जाना चाहता है अपनी पोजीशन को जब वो नहीं बदलना चाहता ना तो क्वेश्चन इज कि इस रुकना चाहते हैं कंज्यूमर तो कंज्यूमर रुकना चाहते हैं जब उनको मिलता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को कब मिलता है तो जब वो कंज़म्पशन करते हैं नाउ वी कैन एक्सप्लेन और कह सकते हैं कि इसके मीनिंग को हम लिख सकते हैं कि कंज्यूमर्स इक्वली बी हम रेफर्स टू सिचुएशन। ये एक सिचुएशन है जहां पे एक कंज्यूमर को प्राप्त होता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जिसको वो किसके बाद रिसीव कर रहे हैं तो विथ लिमिटेड इनकम कोई भी व्यक्ति है उसका इनकम जो है वो लिमिटेड होता है और सीमित आय किसी के पास नहीं होती अनलिमिटेड इनकम किसी के पास नहीं होता अगर हम अम्बानी जी की बात कर रहे हैं तो उनके पास भी जितना इनकम है हम लोगों से कई 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 गुना ज़्यादा है बावजूद उसके उनका इनकम भी लिमिटेड है तो कोई भी व्यक्ति है उसके पास लिमिटेड इनकम होता है और वो अपने लिमिटेड इनकम को खर्च करता है किस पे गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने पर और जब वो ऐसा करता है तो उससे उनको जब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है तो इसी सिचुएशन को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं साथ ही साथ एंड ही हैज़ नो टेंडेंसी ऑफ चेंज द वे ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर कंज्यूमर्स इक्लेब्रियम पे ध्यान देने वाली बात ये भी है कि एक कंज्यूमर के बारे में ये इमेजिन किया जा रहा है कंज्यूमर्स इक्लिब्रियम को निकालने के लिए कि एक कंज्यूमर है उसके पास लिमिटेड इनकम है और वो अपने लिमिटेड इनकम से जो खर्च करते हैं उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं कर रहे हैं मतलब अगर आप हैं आपको आपके केस में इक्लेब्रियम की बात की जा रही है मान लीजिए आपके पास लिमिटेड इनकम है लिमिटेड इनकम मान लेते हैं आपका पाँच हज़ार रुपये ये बहुत कम है बट मान लीजिए ठीक है तो आपका इनकम जो है वो लिमिटेड है फाइव थाउजेंड और इस पाँच हजार रुपये को आप खर्च कर रहे हैं किसके परचेज पर तो इसको आप खर्च कर रहे हो आइसक्रीम के परचेज पर आप आइसक्रीम खाना चाह रहे हैं और आप उसको ही खरीद रहे हैं और उस पर आप अपने पांच हजार रुपए को खर्च करते हैं इमेजिन करने के लिए कहा है ठीक है तो आप इमेजिन करो अब पांच हजार रुपए आपने खर्च करे आइसक्रीम के परचेज पर तो यहां, पे आप, यहां पे इस का मतलब है ही हैज नो टेंडेंसी ऑफ चेंज द वे ऑफ एक्सिस्टिंग एक्सपेंडिचर मतलब अगर आप पांच हजार रुपए से आइसक्रीम खरीद रहे हैं तो आप आइसक्रीम ही खरीद रहे हैं इसको आप चेंज नहीं करोगे ठीक है तब जाकर के आपका इक्विलिब्रियम हमको पता लग जाएगा सो so, आपने एक आइसक्रीम खाया आपको सेटिस्फैक्शन मिला सपोज ट्वेंटी यूटिल्स ओके आपने सेकेंड यूनिट खा लिया आपको और सेटिस्फैक्शन मिला लेकिन पहले वाले से थोड़ा कम मिला क्यों क्योंकि लॉ ऑफ डी में हम लोगों ने ये पढ़ा है हमारे लास्ट क्लास में कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क करता है कंज्यूमर्स बिहेवियर uh, के अंतर्गत जहां पे कंज्यूमर जैसे जैसे मोर एंड मोर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है यूटिलिटी है वो घटता जाता है तो कुछ इस तरह से फिर आपने थर्ड यूनिट खा लिया आपको जो यूटिलिटी मिली वो और कम मिली टेन यूनिट यूटिल्स फिर आपने चौथा यूनिट खाया आपको चार यूटिल्स मिला पाँचवा खाया अब आपकी यूटिलिटी है ज़ीरो यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी को कंज्यूम करते जा रहे हैं आपका सेटिस्फैक्शन घटता जा रहा है ठीक है नाउ अगर हम बात करें कि यहाँ पे कंज्यूमर्स इक्लिब्रियम कहाँ पर है कैसे पता करेंगे कि कंज्यूमर्स इक्लिब्रियम कहाँ पर है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कहाँ पे मिल रहा है तो पूछूंगी तो कहोगे कि पहले यूनिट को खाया था तभी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन था दैट इज ट्वेंटी बट दिस इज नॉट करेक्ट ये सही नहीं है क्यों नहीं है सही क्योंकि कंज्यूमर्स इक्लिब्रियम को निकालने के कुछ तरीके हैं ठीक है कंज्यूमर्स इक्लेब्रियम को हम दो डिफरेंट डिफरेंट केसेस में डिस्कस करेंगे एक केस होगा जहां पे हम सिंगल कमोडिटी के केस में कंज्यूमर्स इक्लिब्रियम निकालेंगे और दूसरा केस हम डिस्कस करेंगे कि जब हम अपने एंटायर इनकम को दो वस्तुओं को खरीदने पर खर्च करते हैं तब किसी भी कंज्यूमर का इक्लिब्रम कहाँ होता है और सिंगल केस में हम बात करेंगे कि जब कोई भी कंज्यूमर अपने इंटायर इनकम को सिंगल कमोडिटी को परचेज करने पर खर्च करते हैं तब उनका इक्लिब्रम कहाँ होता है फिलहाल यहाँ पे मैं बस आपको एक एग्जाम्पल दे रही थी कि एक कंज्यूमर है वो अपने तमाम इनकम को पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने पर खर्च कर देता है उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं करता और ऐसा करके उसको जिस भी लेवल ऑफ जिस भी यूनिट ऑफ द कमोडिटी पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा वही उसका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहलाएगा सो दिस इज ऑल अबाउट द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड इट्स मीनिंग अब हम चलेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को और भी ज्यादा डिफाइन करते हुए डिफरेंट केसेस में हम कंज्यूमर्स इक्विप्रम को निकालेंगे इससे पहले कि हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम निकालना शुरू करें आप ये समझ लो कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को हम दो केसेस में डिस्कस कर सकते हैं ठीक है और कौन से कौन से दो केसेस हैं तो वो मैं अभी आपको बताती हूँ आप इससे पहले जान लें हम लोगों ने जो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि यूटिलिटी को हम दो तरीक़ों से मेज़र कर सकते हैं कई सारे इकोनॉमिस्ट ने आर्ग्यू करा है कि यूटिलिटी कैन बी मेज़र इन टू टर्म्स टू डिफरेंट टर्म्स कुछ ने कहा कि यूटिलिटी को हम कार्डिनल तरीके से मेज़र कर सकते हैं तो कार्डिनल अप्रोच के तहत कार्डिनल मेज़रमेंट दिया गया और कुछ का कहना था कि यूटिलिटी को हम ऑर्डिनल तरीके से मेज़र कर सकते हैं जिसको ऑर्डिनल मेज़रमेंट के तहत हम रखते हैं मैंने आपको बताया है कि कार्डिनल मेजरमेंट में हम क्या बात कर रहे हैं तो कार्डिनल मेजरमेंट या कार्डिनल अप्रोच का मतलब है कि जब भी यूटिलिटी को हम मेज़र करेंगे या एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर्स लाइक वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन ओके तो ये हो गया हमारा क्या कार्डिनल मेजरमेंट ठीक उसी तरह से ऑर्डिनल मेजरमेंट में क्या बात करते थे कि अगर हम किसी भी कमोडिटी से मिलने वाले यूटिलिटी को रैंक कर देते हैं ठीक है जैसे रैंक में हम फर्स्ट सेकंड, ऐसा थर्ड रैंक कर रहे हैं तो उस तरह के मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं ऑर्डिनल ऑर्डिनल अप्रोच या ऑर्डिनल मेजरमेंट जैसे मान लें कि आपके पास प्रेफरेंसेस हैं एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो कि जैसे मान लीजिए कि आपको फ्रूट्स खाने हैं आपके पास तीन ऑप्शन हैं एप्पल है बनाना है और आपके पास है ग्रेप्स अब इस केस में आप क्या करोगे कि आपने एप्पल सबसे पहले चूज किया कि आपको एप्पल सबसे पहले खाना है तो आपने एप्पल को क्या करा फर्स्ट रैंक दे दिया फिर आपने चूज किया कि आपको ग्रेप्स खाने हैं ठीक है तो आपने ग्रेप्स को सेकेंड रैंक दे दिया और थर्ड में आपने चूज किया कि आपको बनाना खाना है तो इस तरह से खाना है और उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन आपने खा लिया तीनों और फिर आपने बोला कि आपको सबसे अच्छा खाकर लगा एप्पल तो एप्पल आपका फर्स्ट प्रेफरेंस हो गया फिर आपने बोला कि एप्पल से मुझे कम अच्छा लगा अंगूर बट वो बनाना से मुझे ज्यादा पसंद आया तो अंगूर आपका सेकेंड ग्रेप्स आपके सेकेंड ऑप्शन या सेकेंड ऑर्डर में आ गया एंड बनाना जो है उसको आपने थर्ड प्रेफरेंस में रखा तो जब हम इस तरह के प्रेफरेंसेस रखते हैं तो यूटिलिटी हमको मिलती है और उससे मिलने वाली यूटिलिटी को हम ऑर्डर वाइज कहते हैं कि नहीं मुझे रोटी से ज़्यादा पराठा पसंद है या पराठे से ज़्यादा मुझे पूड़ी पसंद है तो यहाँ पे आप रैंक कर रहे हो कि पूड़ी आपको सबसे ज़्यादा पसंद है फर्स्ट सेकेंड नंबर पे पराठा पसंद है थर्ड पे आपको रोटी पसंद है सो so, जब आप कमोडिटी से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन को रैंकिंग कर देते हैं ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तो उसको हम ऑर्डिनल मेजरमेंट या ऑर्डिनल अप्रोच कहते हैं ओके okay? ये हो गई आपकी पहली बात उसके अलावा मैंने आपको बता दिया था रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग कि कार्डिनल मेजरमेंट किसके द्वारा दिया गया है तो मार्शल के द्वारा दिया गया है, है ना और ऑर्डिनल और मेजरमेंट किसके द्वारा दिया गया है तो ये हमारा जे आर हिक्स और एलन के द्वारा भी दिया गया है ये सब बातें मैंने आपको बता रखी हैं अब देखिए क्या है हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बारे में तो ये जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है इसके कॉन्सेप्ट को हम दोनों तरीकों से समझेंगे कार्डिनल अप्रोच से भी समझने वाले हैं और ऑर्डिनल अप्रोच से भी डिस्कस करेंगे फिलहाल यहाँ पे हो गया कि कंज्यूमर इक्लिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो कार्डिनल एंड ऑर्डिनल दोनों टाइप ऑफ अप्रोच पे डिपेंड करता है नाउ कंज्यूमर्स इक्लिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा दो केसेस में हमको डिस्कस करना है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को हम दो अलग अलग सिचुएशन में डिस्कस करने वाले हैं पहला सिचुएशन है इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी सिंगल कमोडिटी के केस में हम डिस्कस करेंगे कि एक कंज्यूमर जो है वो अपने एंटायर इनकम को अगर सिंगल कमोडिटी के को परचेज करने पर खर्च करते हैं तब उनको किस तरह से इक्विलिब्रियम मिलेगा कहां मिलेगा वॉट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी एंड नाउ सेकेंड में हमको बात करना है कि वेन अ कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इंटायर इनकम ऑन टू कमोडिटीज देन उस केस में क्या होंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशंस और किस तरह से कंज्यूमर इक्लिब्रियम निकाले जाएंगे तो देखो दो तरीके हमको पढ़ने हैं कंज्यूमर इक्लिब्रियम को डिस्कस करते हुए दो सिचुएशन हमको डिस्कस करना है और दो तरीके हैं तो यहां पर आप बात समझोगे कि जब हम कंज्यूमर इक्लिब्रियम की बात कर रहे होंगे इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी तो हम कार्डिनल अप्रोच के तहत इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे मतलब सिंगल कमोडिटी के, के केस में कंज्यूमर इक्विब्रम जब निकलेगा तो उसको हम कार्डिनली मेजर करने वाले हैं उसको हम ऑर्डिनर अप्रोच के साथ मेजर नहीं करेंगे ठीक है अब यहाँ पे हम लोगों को बेसिक बातें पता लग गई हैं फिर इसके बाद टू कमोडिटीज के केस में हम ऑर्डिनल मेजरमेंट को भी डिस्कस करेंगे तो फिलहाल हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि कंज्यूमर इक्विब्रम निकालेंगे इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी विद द हेल्प ऑफ कार्डिनल अप्रोच या फिर कार्डिनल मेज़रमेंट ओके okay? अब शुरू करते हैं हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम निकालेंगे और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि जब कोई भी कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त कर लेते हैं तो उस पोजीशन को हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहते हैं और इस कॉन्सेप्ट को हम रिलेट करके पढ़ने जा रहे हैं इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी विच मींस कि अगर कोई भी कंज्यूमर अपने एंटायर इनकम को सिर्फ और सिर्फ एक ही वस्तु को खरीदने पर खर्च कर दे तो उस केस में कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा तो सिंगल कमोडिटी के केस में अगर हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम डिपेंड करेगा टू फैक्ट्स पर इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी द कंज्यूमर इक्विब्रियम विल डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स और टू फैक्ट कौन कौन से दो फैक्टर्स होंगे भाई तो पहला फैक्टर जो है वो होगा हमारा कि उस सिंगल प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए कंज्यूमर ने कितना प्राइस पे किया है प्राइस जो पे किया गया कंज्यूमर के द्वारा टू परचेज दैट सिंगल प्रोडक्ट ओके सबसे पहली चीज जो है वो आपकी यही होती है कंज्यूमर इक्लिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स फर्स्ट वन इज प्राइस पेड एंड द सेकेंड फैक्टर इज एक्सपेक्टेड यूटिलिटी या एक्सपेक्टेड यूटिलिटी वर्ड आप यहाँ पे नहीं लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन देखिए हम कोई भी वस्तु परचेज करते हैं तो हम क्या सोच के परचेस करते हैं एक तो कि उस प्रोडक्ट को जब हमने खरीदा तो हमें उससे कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा ये हमारे दिमाग में रहता है और साथ ही साथ हम उस वस्तु को परचेज करते हैं और परचेज करने के लिए कीमत चुकाते हैं एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन को हम यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी भी कह सकते हैं एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन का मतलब भी हुआ कि हम मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं कि जो वस्तु है उसके ईच सक्सेसिव यूनिट को हम जैसे जैसे खरीदते जा रहे हैं कंज्यूम करते जा रहे हैं तो उससे हमको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और हर एक यूनिट को परचेज करने के लिए हम कितनी कीमत चुका रहे हैं सो द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स और पहला है उसमें प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी एंड द सेकेंड इज की एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन विच इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी ओके अब यहां पे हम बात करें कि ये तो हो गए दो फैक्टर्स अब हमको कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम और समझना है और निकालना है कि कैसे निकलेगा तो यहां पे आप एक बात समझोगे कि हम इसको एक्सप्लेन करते हुए समझते हैं कि मान लेते हैं कि हम कोई वस्तु का कंज़म्पशन कर रहे हैं और वस्तु है गुड एक्स ठीक गुड एक्स का हम कंज़म्पशन कर रहे हैं इस केस में आपका जो कंज्यूमर्स uh, इक्विलिब्रियम है वो दो बातों पे निर्भर करता है इसको फिलहाल यहां पे पॉज करके यहीं पे समझो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दो बातों पे निर्भर करता है प्राइस पेड एंड एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन और अगर हम गुड एक्स मान रहे हैं तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के लिए एकमात्र कंडीशन है इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है एंड द कंडीशन इज कि व्हेन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट कि किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए हमने जितनी कीमत चुकाई और उससे हमें जो यूटिलिटी मिली वो दोनों अगर एक दूसरे के बराबर है तो उसी पोजीशन को कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की का पोजीशन कहते हैं ठीक है अब देखो यहां पे क्या बात हो गई कंडीशन तो हमको मिल गया कि कंडीशन होना चाहिए कि पी एक्स इज इक्वल्स टू एमयू एक्स एमयू एक्स मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी एंड पी एक्स इज प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी ये दोनों बराबर होने चाहिए तभी जाके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है वो मिलेगा अब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हम निकालेंगे कैसे कंडीशन तो पता लग गया कंडीशन तो यही है कि प्राइस ऑफ एक्स बराबर होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स के लेकिन क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं तो सवाल का जवाब है नहीं क्यों नहीं हो सकते क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को हम मार्जिनल यूटिलिटी को किस टर्म्स में मेजर कर रहे हैं तो यूटिल्स के टर्म्स में मेजर कर रहे हैं ये एक इमेजिनरी आपका मेजरमेंट uh, का तरीका है जो कि कार्डिनल अप्रोच के तहत लिया जाता है क्योंकि यूटिलिटी को हम मेज़र कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स और वहीं पे अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस जो है उसको तो हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी प्राइस को हम मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं और सेटिस्फैक्शन को हम यूटिल्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं अब इस केस में प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो गए दोनों एक को मेज़र करने का जो तरीका है वो अलग है एक का तरीका है मनी और एक का तरीका है यूटिल्स अब इस केस में अगर हम अलग अलग यूनिट्स के आधार पर इक्विवेलेंसी को चेक करेंगे तो वो हमको नहीं मिल पाएगा अब इस केस में क्या करना पड़ेगा कि यूटिलिटी को मेजर करने के लिए और कंज्यूमर्स इक्विब्रियम को निकालने के लिए हमें इस मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्रेस करना होगा इन टर्म्स ऑफ मनी इट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को हमें मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा तब जा के हम कंज्यूमर्स इक्लिब्रियम को निकाल पाएंगे नाउ द क्वेश्चन इज कि कैसे एक्सप्रेस करें हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी को इन टर्म्स ऑफ मनी तो ऐसा करने के सिंपल से उपाय हैं हमारे पास कि हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को अगर हम मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा क्या मार्जिनल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से ठीक है देखो बात समझेंगे यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है हम सिंपल सा बात कर रहे हैं कंज्यूमर्स इक्विब्रियम निकालने के बारे में और कंज्यूमर्स इक्विब्रियम जो है इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी डिपेंड कर रहा है दो फैक्टर पे एक है प्राइस हमने कितना दिया वस्तु को खरीदने पे के लिए और दूसरा एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन हमने कितना तय किया था कि हमको मिलना चाहिए जहां पे भी ये दोनों बराबर हो जाएंगे सो दिस इज द ओनली कंडीशन फॉर कंज्यूमर्स इक्विब्रियम ओके अब है कि प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये दोनों अलग अलग यूनिट्स में मेजर किया जाता है प्राइस मनी में मेजर किया जाता है और मार्जिनल यूटिलिटी यूटिल्स में किया जाता है तो दोनों की मदद से कंज्यूमर इक्विब्रियम निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ा मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्रेस करना पड़ा इन टर्म्स ऑफ मनी और ऐसा करने के लिए हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं तो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी को अगर डिवाइड कर दें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से तब जाके हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो एक्सप्रेस हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ मनी अब यहाँ पे आप इसको सिंबॉलिकली कैसे लिख सकते हो तो हम इसको सिंबॉलिकली लिख सकते हैं एम यू एक्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को एम यू एम से ठीक है और ये आपका क्या हो गया ये मार्जिनल यूटिलिटी ही है और ये किसके बराबर होना चाहिए प्राइस ऑफ एक्स के बराबर होना चाहिए, चाहिए. यही आपका इक्विलिब्रियम का पोजीशन कहलाएगा ठीक है ये है आपका इक्विब्रियम का पोजीशन इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी तो सिंपल सी बात हो गई है कि कंज्यूमर्स इक्विब्रियम हमारा वहीं पर निकलेगा जहां पे प्राइस ऑफ एक्स एक्स तो हमने माना है यहां पे कोई भी वस्तु हो सकती है अगर हम आइसक्रीम की बात कर रहे हैं तो यहां पे हम क्या लेते हैं प्राइस ऑफ एन आइसक्रीम इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन आइसक्रीम एक्स कमोडिटी का प्राइस और एक्स कमोडिटी का मार्जिनल यूटिलिटी अगर दोनों बराबर हैं तब जाके कंज्यूमर इक्लिब्रियम वहां पर हो जाएगा अब यहां पे बात समझेंगे कि कंज्यूमर्स इक्लिब्रियम के लिए नेसेसरी कंडीशन जो है वो तो हमको पता लग गया लेकिन हमें एक बात और यहाँ पे पता करनी होगी कि अगर डिफरेंट सिचुएशंस हैं, ये तो समझ में आ गया कि प्राइस ऑफ एक्स जो है वो बराबर होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स के लेकिन अगर हमें कोई डिफरेंट सिचुएशन मिल गया तो हम कैसे उस सिचुएशन में कंज्यूमर कैसे बिहेव करेंगे तो डिफरेंट सिचुएशंस क्या हो सकते हैं तो कंज्यूमर्स इक्लिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी हमें दो डिफरेंट सिचुएशंस भी देखने को मिल सकते हैं एंड द टू डिफरेंट सिचुएशंस आर टू सिचुएशंस अलग अलग दो स्थिति हमें मिलेगी और ये दो सिचुएशंस क्या हो सकते हैं तो पहला सिचुएशन है कि अगर प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी लेस देन हो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स से तब क्या होगा कहने का मतलब है कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन है प्राइस ऑफ एक्स से तो उस स्थिति में क्या होगा तो यहाँ पे आप बात समझेंगे अगर ऐसी सिचुएशन है इसका मतलब है कि आपने जितना पैसा खर्च किया प्रोडक्ट को परचेज करने के, के लिए उससे ज्यादा आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ठीक है सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिला और आपको लगा कि अरे भाई पैसे तो हमें कम चुकाने पड़े लेकिन सामान हमने बहुत बढ़िया खरीद लिया इस स्थिति में एज अ कंज्यूमर आप क्या करोगे तो आप करोगे ये कि कंजम्पशन जो होगा उसको आप बढ़ाओगे एक कंज्यूमर अपने कंजम्पशन को बढ़ा देगा अगर उनका जो मार्जिनल यूटिलिटी उनको प्राप्त हो रहा है वस्तु को परचेस करने से वो ग्रेटर देन है उसके कीमत जो उन्होंने चुकाई उससे तो वो अपने कंजम्पशन को इंक्रीज करेंगे अब जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो इसके कॉन्ट्ररी इसके इन्वर्स में होगा क्या कि जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ईच सक्सेसिव यूनिट से वो सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे क्या होता जाएगा कम होता जाएगा जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा कमोडिटी से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो घटता जाएगा पूछोगे ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा कैसे हो रहा है तो इसके पीछे का कारण हम लोगों ने पढ़ा है कंजम्पशन बढ़ेगा तो जो सेटिस्फैक्शन है वो घटेगा सेटिस्फैक्शन क्यों घटता जाएगा क्योंकि कंजम्पशन बढ़ रहा है ऐसा इसलिए क्योंकि जो लॉ है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये एप्लीकेबल हो रहा है जिसकी वजह से हम जैसे जैसे एक अडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते जाते हैं उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन घटता जाता है अब सेटिस्फैक्शन घटता जाएगा कंजम्पशन बढ़ता जाएगा कब तक जब तक प्राइस मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर नहीं हो जाता इस पोजीशन तक आपका कंजम्पशन जो है कंज्यूमर बढ़ाते जाएंगे और उनका जो सेटिस्फैक्शन है वो उनका धीरे धीरे क्या होता जाएगा घटता जाएगा टिल दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाते क्योंकि यहाँ पे पहुँचने के बाद कंज्यूमर रियलाइज़ करेंगे कि भाई अब तो मुझे इक्विलिब्रियम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है इससे ज़्यादा मुझे अपने कंजम्पशन को नहीं बढ़ाना है और ये उनका इक्विलिब्रियम का पोजीशन होगा ठीक उसी तरह से अगर प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इज ग्रेटर देन होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स से मतलब जो वस्तु तो खरीदी जा रही है उसको खरीदने के लिए जो कीमत चुकाई जा रही है और उससे जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है अगर सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है और कीमत ज्यादा चुकानी पड़ रही है तब क्या अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई सामान बहुत महंगा है और मुझे इससे उतना संतोष नहीं मिल रहा उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा जितना मुझे मिलना चाहिए था तो उस स्थिति में कंज्यूमर क्या करेंगे एज अ कंज्यूमर आप क्या करेंगे तो अगर आपको लगेगा कि सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है और कीमत ज़्यादा चुकाना पड़ रहा है तो उस स्थिति में कंज़म्पशन जो होगा उसको कंज्यूमर क्या करेंगे घटाएंगे क्योंकि उनको सेटिस्फैक्शन मिल ही नहीं रहा तो वो अपना कंजम्पशन घटाने लगेंगे और जब वो कंज़म्पशन घटाएंगे तो उनका सेटिस्फैक्शन जो होगा वो बढ़ेगा ऐसा भी क्यों होगा क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल होगा जिसकी वजह से कंजम्पशन कम करने पर सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा और इस स्थिति में कंजम्पशन कब तक कम होता जाएगा तो जब तक एक बार फिर से प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाते तब तक और इस तरह से ये दो सिचुएशंस अगर होते हैं कंज्यूमर के पास तो वो अपने इक्विब्रियम को कुछ इस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि अगर यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है तो कंजम्पशन बढ़ा देंगे और अगर यूटिलिटी कीमत से कम हो रही है तो कंज़म्पशन घटा देंगे और अल्टीमेटली किस पोजीशन पर पहुंचेंगे जहाँ पे प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाता सो दिस इज द कंज्यूमर्स इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी यहां पे हमको इतनी बात समझ में आ गई है अब आप एक बात ध्यान दोगे कंज्यूमर इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी हम लोगों ने इसको ओवरऑल में ब्रीफ कर लिया है अब इसको अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें इसके एजम्पन्स के बारे में जानना चाहें कि इस एक्सप्लेनेशन uh, के इस केस के सिचुएशन के एजम्पन्स क्या क्या होंगे और इस सिचुएशन के एक्सप्लेनेशन को अगर हम देखना चाहें विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम एक्सप्लानीशन हम दो टर्म्स में करेंगे एक टेबल बना लेंगे और डायग्राम बना लेंगे तब जा कर के हमको कंज्यूमर्स इक्विब्रम का फुल एंड फाइनल पता लग जाना है इनकेस ऑफ सिंगल कमोडिटी सेम बात जो यहाँ पर मैंने आपको बताया एम यू एक्स अपॉन एम यू एम बराबर पी एक्स या पी एक्स इज इक्व टू एम यू एक्स ये दोनों लगभग सेम सिचुएशन है यहाँ पे -X जो है वो इसको मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस करने के लिए एमयूएम से डिवाइड किया हुआ है इसलिए ये दोनों आपके सिमिलर हैं सेम है तो एजन एंड एक्सप्लेनेशन जो होगा इस लॉ का इसको हम हमारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे आज के क्लास में हमने कंज्यूमर्स इक्विब्रियम देखा कंज्यूमर्स इक्विब्रियम को हम कितने डिफरेंट केसेस में एक्सप्लेन करने वाले हैं हमने वो देखा और सिंगल केस कमोडिटी सिंगल इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी हम लोगों ने ये देखा कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं और उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है उस कंडीशन को हम सेटिस्फाई करेंगे टेबल डायग्राम बना के हमारे नेक्स्ट क्लास में थैंक यू